ब्रह्मांड में मिल्की वे अकेली गैलेक्सी नहीं है, बल्कि यहाँ तो लाखों करोड़ों या उससे ज्यादा गैलेक्सीज हैं। लेकिन हमारी गैलेक्सी के सबसे नजदीक एंड्रोमेडा नाम की एक स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसका एस्ट्रोनॉमिकल नाम मैसियर 31 या M31 है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले दावा किया कि ये मिल्की वे के लिए खतरा है, क्योंकि ये हमारी गैलेक्सी से टकराने वाली है, जिससे वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन अब आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि हमारी मिल्की वे के नष्ट होने का खतरा टल गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। वैज्ञानिक लंबे समय से मान रहे थे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे में भयंकर टक्कर होगी। दरअसल 5 साल पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप से जुटाई डेटा पर रिसर्च करने के बाद ये कहा, एंड्रोमेडा जिस गति से आगे बढ़ रही है तो करीब 3.9 अरब साल बाद वो आकाशगंगा से टकरा जाएगी और भयंकर तबाही होगी। आपको बताते हैं कि एंड्रोमेडा की स्पीड क्या है। एंड्रोमेडा 109 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमारी गैलेक्सी की ओर बढ़ रही है। इस स्पीड से टक्कर बहुत ही तेज होगी, जिससे कई सारे तारे नई ऑर्बिट में चले जाएंगे। भले ही दोनों गैलेक्सी के ग्रह एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन टक्कर की वजह से उनकी ऑर्बिट भी बदल जाएगी। इस टक्कर के कई साल बाद एंड्रोमेडा और हमारी गैलेक्सी एक विशाल गैलेक्सी का रूप ले लेगी। हाल ही में हुई एक नई रिसर्च से नासा का ये पूर्वानुमान गलत साबित हो गया है। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छपी एक रिसर्च के मुताबिक M31 109 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं, बल्कि 37 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है, और इस स्पीड के साथ हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे और M31 में आने वाले 4.5 अरब सालों तक कोई टक्कर नहीं हो सकती। रिसर्च में शामिल वैज्ञानिक रोलैंड वैन डर मेयर ने कहा कि 4.5 अरब साल बाद भी दोनों के बीच भीषण टक्कर होने की संभावना नहीं है। उस वक्त सिर्फ दोनों गैलेक्सीज के किनारे ही आपस में टकराएंगे, लेकिन टक्कर के बाद दोनों का मिलकर एक बड़ी गैलेक्सी में बदलना तय है। जैसा कि गैलेक्सी का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है, इसलिए इनके किनारे टकराने पर उनके ग्रहों या तारों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कुछ तारों के अपनी जगह से दूसरी जगह या उनकी ऑर्बिट बदलने की आशंका है। आपको बता दें कि एंड्रोमेडा को M31 के साथ NGC 224 भी कहते हैं, जो हमारी गैलेक्सी के सबसे पास मौजूद गैलेक्सियों में से एक है। ये लगभग 2,20,000 प्रकाश वर्ष में फैली है और इसका वजन हमारी गैलेक्सी के बराबर ही है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी पृथ्वी से 25 लाख वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी में 1,00,000 करोड़ सितारे होने का अनुमान लगाया है, जिसकी संख्या हमारी मिल्की वे से 2 गुनी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।